हेलो डॉक्टर माधोरा जी, एंड हेलो। सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल पर। जी डॉक्टर माधोरा जी, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि मास्टरबेशन से बैक पेन होता है क्या। तो हालांकि हमारे चैनल का सबसे फेमस वीडियो हो गया है एंड अराउंड 20,000 लोगों ने उसको देखा भी है। लेकिन उस वीडियो में हमने जो बताया था कि बैक एक जो होता है वो मास्टरबेशन के कारण होता है ऐसा नहीं है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किए कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमें पता है होता ही है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि साइकोलॉजिकली कभी बैक पेन हो सकता है क्या। तो इसका मतलब एक है कि लोगों को बैक पेन हो रहा है और रिलेट कर रहे हैं मास्टरबेशन से। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए है कि हमने मास्टरबेशन बंद किया तो हमारा बैक पेन चला भी गया। तो डॉक्टर माधव राजे, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा या आपसे सॉल्यूशन मांगूंगा कि जिन लोगों को बैक पेन होता है मास्टरबेशन के कारण, ऐसा उनको लगता है, उनको आप सॉल्यूशन बता दीजिए डॉक्टर माधव राजे। जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि बात ऐसी है मित्रों, हमने हमारे वीडियो में ये कहा है कि मास्टरबेशन के बाद या मास्टरबेशन के कारण बैक पेन हो सकता है, ठीक है ना। वीडियो में आप फिर से देखिए, मास्टरबेशन के कारण बैक पेन हो सकता है ये हमने बोला। लेकिन मास्टरबेशन ये फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल बैक पेन का कारण है ऐसा नहीं है, ऐसा हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मत हमने व्यक्त किया है, ये मत कोई मेरा खुद का वैयक्तिक मत नहीं है, है ना। ये मेडिकल फैक्ट है, ये मेडिकल फैक्ट, मेडिकल साइंस और रिसर्च के ऊपर में आधारित बात है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये शेयर करने का पहला मकसद ये भी है क्योंकि मुझको पता है, मैं डॉक्टर प्रैक्टिस काफी सालों से कर रहा हूँ, तो मुझको पता है लोगों के मन में ये भावना है, लोगों को ऐसा लगता है कि मास्टरबेशन के कारण बैकएक होता है या बॉडी एक होता है या गर्दन में दर्द होता है या जांघों में दर्द होता है। ये बात सही है कि जब ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि मास्टरबेशन करने के बाद में आपको गर्दन में दर्द होगा या पीठ में दर्द होगा या जांघों में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, ये सब हो सकता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये आपका अनुभव है। लेकिन अनुभव के ऊपर निर्भर होकर के आप उसको प्रोसेस करते हो और एनालाइज करते हो और कारण ढूंढते हो। कारण ढूंढने के लिए आपको मेडिकल साइंस मालूम होना चाहिए ना मित्रों। मेडिकल साइंस अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको कारण कैसे मालूम पड़ेगा। आपका स्वभाव, आपका विचार के ऊपर में कारण ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कारण तो मेडिकल फैक्ट्स में है, रिसर्च में है। तो कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपको बैक पेन हो सकता है, कोई हरकत नहीं। लेकिन वो मास्टरबेशन ये उसका डायरेक्ट कारण नहीं है, मास्टरबेशन ये बीच की चीज है जिसके कारण वो हो रहा है पेन। क्योंकि देखा, जरा देखिएगा, सोचिए, सारे लोगों को मास्टरबेशन करते समय में या करने के बाद बैक पेन नहीं होता, पहली बात। कुछ लोगों को होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, मास्टरबेशन ये प्लेजरेबल एक्टिविटी है ना सुशील सर। मास्टरबेशन क्यों करते लोग? प्लेजर के लिए करते हैं, है ना, आनंद आता है इसलिए करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मास्टरबेशन किया जाता है, हमारे इंडिया में ये सोचते हैं कि जो मास्टरबेशन है वो निंदनीय एक्टिविटी है, करना नहीं चाहिए, उसके ऊपर टैबू है, लोग बताते नहीं कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ या वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके ऊपर में ये सोचा गया, सोशल फ्रेम है, वो सोशल फ्रेमवर्क में बंधा है कि ये निंदनीय कार्य काम का क्रिया है, करना नहीं चाहिए और उसके कारण ये हानि होती है वगैरह वगैरह, बहुत बातें बताई गई है और लोगों को वो पता है, लोगों को वो सुनी हुई है। अब जो बातें आपने सुनी हुई है अगर आपका उस पर विश्वास होगा तो क्या होता है सोशल सर, वही आपको अनुभव में आता है, क्योंकि आपने सोचा वैसे और विश्वास भी किया तो आपका अनुभव भी वैसा होगा। तो अनुभव क्यों होगा? क्योंकि साइकोलॉजी बोले तो ब्रेन के अंदर में कोई सर्किट्स है, तीन चार पार्ट्स है ब्रेन के अंदर, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स है, उनके बीच में सर्किट होता है। वो साइकोलॉजी जो है आपकी, वो सर्किट को एक्टिवेट कर देती है। अगर वो सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा तो मास्टरबेशन करने के बाद या करते समय या करने के पहले भी आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगी तो स्ट्रेस ये 95% बैकएक का कारण है। रिसर्च दोनों के ऊपर में हुआ है मित्रों, बैकएक के कारण क्या है देखा गया, उसमें मास्टरबेशन ये पहला या इंपॉर्टेंट कारण नहीं माना गया। मास्टरबेशन के ऊपर में रिसर्च हुआ, उसमें भी मास्टरबेशन के कारण बैकएक होता है ऐसा नहीं माना गया। माना ये गया है कि मास्टरबेशन के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है और स्ट्रेस के कारण बैकएक होता है। अब स्ट्रेस क्या है,
जो चीज आपने सोची, जो चीज आपने अपेक्षा की, वो चीज वैसी ना होना, ये स्ट्रेस को डेवलप करती है। आपके मन के मुताबिक अगर कोई बात हो जाए तो आपका स्ट्रेस कम रहता है, मन के मुताबिक अगर बात ना हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन जो है, उसके अनुसार अगर बात हो रही है तो स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अगर कोई बात हो रही है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण आपको पेन होता है बॉडी में। इसके ऊपर मित्रों मैं आपसे ये भी बात बताना चाहूंगा, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए बहुत रिसर्च हुआ और ये पाया गया रिसर्च में कि मास्टरबेशन के साथ में दो प्रकार के एंटिटी होते हैं। अब आपको पता होगा, मास्टरबेशन करने के बाद में अनुभव किया होगा आपने कि टेस्टिस जो है ना, अंडाशय, उसमें दर्द होता है कुछ समय के लिए, और बाद में वो मास्टरबेशन करने के कुछ देर बाद में अपने आप कम हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर मास्टरबेशन कर रही है और उसे दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है? मास्टरबेशन के कारण ना हो करके शायद और कोई बात है जो छिपी हुई है आपके अंदर में, कोई बीमारी का छोटा सा कण, छोटी सी मात्रा छिपी हुई है। जैसे टेस्टी में अंदर में आपको प्रोस्टेटिस है तो आपको दर्द होगा, बैकेक अगर आपको है ऑलरेडी पोस्टर के कारण तो आपको दर्द होगा। मतलब ये आपके पोस्टुरल बैकेक है, ये आपके प्रोस्टेटिस के बैकेक है, या और भी कुछ देखे गए हैं, ऑर्गेजम होता है मास्टरबेशन करते तो करते समय में सीमेन बाहर निकलता है, इसको कहते हैं ऑर्गेजम। अब पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, POIS, ये ऑर्गेजमिक सिंड्रोम नाम की बीमारी है। मतलब ये सिर्फ मास्टरबेशन के बाद में ही शरीर में दर्द रहता है ऐसा नहीं है, वो सेक्स करने के बाद में भी शरीर में कुछ लोगों को दर्द पाया गया और उसका कारण मालूम नहीं हुआ, क्लियर कट कारण नहीं मालूम हुआ कि क्या है। लेकिन इसीलिए उस बीमारी को अभी भी, ये उसके ऊपर में रिसर्च चल रही है कि क्या कारण होगा ऑर्गेजम के बाद में पेन होता है। अब ऑर्गेजम के कारण कारण पेन होना जो है, उसके कुछ कारण बताए गए हैं, सोचे गए हैं, समझे गए, अज्यूम किए गए, वो ये कि एक्टिविटी जो होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है, उसमें सारी बॉडी जो है वो कड़क हो जाती है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि मसल्स काफी लंबे समय तक के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इसीलिए पेन होता है। अगर ये एक्टिविटी, ऑर्गेजम की एक्टिविटी, मास्टरबेशन से हो या सेक्स से हो, अगर ये एक्टिविटी आप बार बार करेंगे तो आपको बार बार मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बार बार मसल का स्पाजम होगा, तो फिर पेन आपका ज्यादा देर रहेगा। ठीक है मित्रों, ये पेन बहुत बार ये भी देखा गया कि एक दिन बाद में भी चालू होता है कुछ लोगों का, जिसको DOMS कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। मसल जो रहते हैं ना मांसपेशी, इसमें सोर होता है मतलब दर्द होता है, ये भी होता है। तो ये रिसर्च में पाया गया है मित्रों, इसीलिए रिसर्च ये नहीं मानता है, ये नहीं कहता कि मास्टरबेशन के कारण डायरेक्ट आपको पेन हो रहा है, उसके बीच में एक कड़ी है जिसको आप भूल रहे हो, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया, क्योंकि आपने मेडिकल साइंस नहीं देखा, इसलिए आपके समझ में नहीं आ रहा है वो। तो निश्चिंत रहिए मित्रों, मास्टरबेशन ये प्लेजरेबल एक्टिविटी है, प्लेजर डिराइव अगर आप करेंगे तो आपके मास्टरबेशन के कारण आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है मित्रों, यस। ओके, ऑल द बेस्ट। तो डॉक्टर माधव राजे, अभी तो हमने उन्होंने उनको वापिस बता दिया है कि मास्टरबेशन के कारण डायरेक्टली बैक पेन नहीं होता है। लेकिन एक सोल्यूशन भी हमें चाहिए। सोल्यूशन इस तरह से कि जिनको साइकोलॉजिकल बैक पेन होता है, उनका रीजन ये भी हो सकता है कि मास्टरबेशन होने के बाद उनके मन में जो प्रिजुडिस है उसके बारे में, कि ये गलत है, एक खराब भावना है, मास्टरबेशन करना गलत है, इतनी एनर्जी का नुकसान हो गया है, उसके कारण उनके मन में गिल्ट भी आता है। और एक गिल्ट की रिएक्शन के कारण उनको स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस के कारण उनको बैक पेन हो सकता है या शरीर में कहाँ भी बीमारी हो सकती है। सही। ये जो रिएक्शन है जो मास्टरबेशन के बाद वो दे रहे हैं, यही रिएक्शन उन्होंने ऐसे दी कि बहुत मजा आ गया, मैं एकदम खुश हो गया, जिंदगी का सब दर्द अभी मास्टरबेशन के साथ, सीमन के साथ बाहर निकल गया। तो क्या ये साइकोलॉजिकल मास्टरबेशन जो हो रहा है वो बंद हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। अगर आपने एक आपको बताया, खुद को, आपके विचार को बदला, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, आपने ये प्लेजरेबल एक्टिविटी को समझा, तो फिर आप उसके पीछे में दौड़ेंगे नहीं, आप वो ऑब्सेशन नहीं होगा आपको, दिन में 10 बार या 15 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी कभार आपको जब इच्छा होगी तब करेंगे आप। और ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी की डिजायर है वो आमतौर पर 1 महीने में 4-6 बार ही आती है नॉर्मल पर्सन में। अगर वो 4-6 बार से ज्यादा बार अगर आप में आ रही है तो आपका नॉर्मल सी जो है वो कहीं ना कहीं आपने क्रॉस कर दिया,
तो फिर आपने ऐसे समय में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपने आपके विचार बदलने चाहिए, एक बात सही बात है, उसको प्लेजरेबल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए, ये एक इलाज है। दूसरा इलाज ये है कि आपने मेरे जैसे किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी फिजिशियन को जाकर के मिलना चाहिए, लेकिन साइकेट्रिस्ट को मिलने से आपका फायदा लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि ये साइकेट्री का टॉपिक है, ठीक है ना, सेक्स ये साइकेट्री में आता है, इसलिए आपने साइकेट्रिस्ट को जाकर के मिलना चाहिए ताकि आपकी तकलीफ जो है वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप आराम से प्लेजरेबल एक्टिविटी है मास्टरबेशन की जो कर पाएंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो नाखुश थे कुछ लोग, या जिनको ये कहना ही था कि डॉक्टर माधव राजे गलत बता रहे हैं एंड मास्टरबेशन से ही बैक पेन होता है, तो उनको इस वीडियो से फायदा होगा एंड आई थिंक वो अभी समझ भी जाएंगे कि बातों में सच्चाई है, मेडिकल साइंस रिसर्च के ऊपर है, तो यकीन करना चाहिए। तो थैंक यू डॉक्टर माधव राजे एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस।